हाय फ्रेंड्स, तो सोनी टीवी के पॉपुलर सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 14 का आगाज 7 अक्टूबर 2023 से हो चुका है और ऐसे में दोस्तों देश के कोने कोने का टैलेंट इस मंच पर पधार चुका है अपने सुर लगाने। और दोस्तों एक से बढ़कर एक कलाकार अपनी परफॉर्मेंस देकर के अलग छाप छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के ओबम टांगो की परफॉर्मेंस आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आखिरकार ओबम टांगो को ऋतु रिबा के जैसा ही क्यों बताया जा रहा है, क्या है पूरा माजरा, आइए बताएंगे आपको हमारे चैनल वाला पर। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि ऋतु रिबा जो कि इंडियन आइडल के सीजन 13 में ऑडिशन देने आए थे और दोस्तों वायरल होने के बावजूद और इतने जबरदस्त गायकी के बावजूद भी उनको शो से एलिमिनेट कर दिया गया था ऑडिशन राउंड में ही। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के ही एक कंटेस्टेंट जो कि इंडियन आइडल सीजन 14 में आ चुके हैं, नाम है ओबम टांगो, जिन्होंने गाना गाया मिला हूं जो तुमसे। तो दोस्तों एक बार नजर डाल लेते हैं ओबम टांगो की इस परफॉर्मेंस पर। Magical is the word. Prith, welcome to Indian Idol. तो दोस्तों आप सभी ने इनकी देखी होगी परफॉर्मेंस, कितनी जबरदस्त और कितनी शानदार और जानदार परफॉर्मेंस थी। दोस्तों इनकी गायकी को सुनकर के जजेस काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और स्टैंडिंग ओवेशन के साथ ही मैजिकल परफॉर्मेंस का टैग भी मिलता है ओबम टांगो को। तो दोस्तों फाइनली अरुणाचल प्रदेश का एक और ऋतु रिबा इस बार इंडियन आइडल सीजन 14 में सिलेक्ट हो चुका है, जिसको मिल चुका है गोल्डन टिकट। तो फाइनली दोस्तों आप सभी लोग इंडियन आइडल सीजन 14 को लेकर कितनी ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट में लिखकर जरूर बताना और साथ ही सभी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।